दिन है और 11वें दिन आज का जो रोष है हमारा इस हड़ताल का, वो लोगों ने, हमारे जो कर्मचारी हैं बहन और भाइयों ने उपवास रख के जताया है और दिखाया है कि हम जो ये व्रत रखे हैं, ये व्रत हमने अपनी सरकार की सद्बुद्धि के लिए रखा है ताकि सरकार को सद्बुद्धि दे और जो हमारी NHM की बहनें आज 11 दिन से हड़ताल पे बैठी हुई हैं, वो उनको हक में फैसला दे, उनको रेगुलाइज करें, उनको परमानेंट करें ताकि जो 26 साल से कार्यरत हैं, जो हमारी सेवाएं बाधित हो रही हैं, उन सेवाओं को बरकरार करें और वो जो सेवाएं हमें लेनी है, आज ये किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो बहनें सारी जाग चुकी हैं और अपने हकों के लिए बैठी हुई हैं। आज का जो 11वां दिन का हड़ताल का जो रोष है वो आज का इसीलिए रखा है, उपवास रख के कि सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार उस बुद्धि का इस्तेमाल करती हुई हमारी बहनों के हक में फैसला करे। ये हमारी आज की मेन मुद्दा है। आज 11वां दिन है हमारी हड़ताल का और ये उपवास आपका कब तक चलेगा? हमारा उपवास तो ये आज एक दिन का जो है, एक दिन एक दिवसीय है। ये पूरे हरियाणा में इसी तरह का रखा जा रहा है? हाँ जी, पूरे हरियाणा में इसी तरह का उपवास रखा हुआ है और ताकि हम अपनी मांगों को दिखा सके, क्योंकि जब लोग बाग उपवास रखते हैं तो भगवान से कुछ मांगते हैं। आज हम भगवान से अपने NHM परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए यही मांगना चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और वो हमारे भाई बहनों के हक में फैसला दे और इनको पक्का करे ताकि अपनी जो सेवाएं पब्लिक में दे रहे हैं वो अपनी बरकरार दे सके और एक पहचान के साथ अपने उस माहौल में वापस जा सके। क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम सुमन है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार, ये जो आज व्रत रखा है पूरे NHM परिवार ने रखा है और पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है और सरकार को हम इससे ये बताना चाहते हैं, हमने ये इसलिए रखा है कि सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे, वो हम NHM वालों की आवाज को सुने और उन्हें परमानेंट करे। तो घर में ऊपर से उपवास रख रहे हैं, तबियत खराब होने का डर नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, इससे बड़ा वो नहीं होगा, जो हमें ये कच्चा होने का जो अभिशाप मिला हुआ है ना, इससे बड़ा कोई डर नहीं जो है। आपकी मांगे तो एक तरफ ठीक है लेकिन दूसरी तरफ मरीजों को भी परेशानी हो रही है, तो इसमें गलती किसकी है? मरीजों के लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, मरीजों के लिए हमें बहुत दुख है और इसका, इस सब का जिम्मेवार सरकार है। जो पिछले 26 सालों से आप? हाँ जी, पिछले 26 सालों से हम ये मांगे कर रहे हैं, 26 सालों से जो हमारी बहनें हैं ये शोषण का शिकार हैं और इनको परमानेंट करें। और एक और चीज है, हरियाली तीज का त्योहार भी है, सुना जा रहा है बड़े विशेष तरीके से मनाने जा रहे हैं, किस तरीके से जो है हरियाली तीज के त्योहार पे? सुना था कि मेहंदी लगाएंगे और वो, ये हम मेहंदी का प्रोग्राम करेंगे, हाथों पे लिख के चलेंगे, पक्का करो, अपने सारी बहनें हाथों पे ये चीज लिखेंगी, हाथों पे मेहंदी लगाएंगे और मेहंदी लगा के उस हथेली के बीच में लिखेंगे कि NHM को पक्का किया जाए और अगले दिन हम उनके द्वारे पे जाएंगे, जो हम 5 तारीख से पहले उनको ज्ञापन दे के आए थे कि वो हमारी तीज हमें वापस कर दे, क्योंकि तीज का त्योहार बहन भाइयों के लिए होता है तो वो अपनी बहनों के घर रक्षा करने के लिए उसको उपहार दे दे, तो हम अपना उपहार मांगने जाएंगे उस हथेली पे हाथ से मेहंदी से। कल आपका ये कार्यक्रम रहेगा? जी सर। अच्छा, घेराव कर चुके हैं, ज्ञापन खाली चिमटे बजा चुके हैं, शव यात्रा निकाल चुके हैं, क्या बात है? सरकार जो है गूंगी बहरी बनी हुई है, उसके कान तो खोलने पड़ेंगे, सभी शांत हो जाएगी। जब तक उसके कान नहीं खुलेंगे हम ये दरी छोड़ने वालों में से भी नहीं, चाहे हमें 1 महीना से भी ज्यादा। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने तो सहमति जता दी है सरकार के साथ अपनी हड़ताल खत्म कर दी, तो आपकी क्यों नहीं सहमति बन पा रही? हम बिल्कुल सहमति नहीं देंगे, हम लिखित में चाहते हैं, हम लिखित में चाहते हैं उनसे सहमति, हम बिल्कुल भी कोई उनकी मीठी गोलियों से बहकावे में आने वाले नहीं है, हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमें परमानेंट नहीं करेगी और लिखित तो में नहीं देगी। आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई, आर पार है या तो सरकार, चाहे कोई भी, चाहे कोई भी वर्ग उठ जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन NHM के कर्मचारी तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमें लिखित में परमानेंट रेगुलाइजेशन के लिए लिखित में नहीं देगी। आश्वासन तो सरकार 6 साल